क्या आपको मालूम है कि महाराजा दिलीप सिंह जी की इस विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग को फतेहगढ़ पार्क में बनाया गया था? क्या कोहिनूर हीरा साजिशन फतेहगढ़ से इंग्लैंड भेजा गया था? आइए हम आपको इसके पीछे की कहानी बताते हैं। पंजाब के महाराजा दिलीप सिंह जी व मां रानी कौर को फतेहगढ़ के आल सोल्स चर्च में कैद कर रखा गया था। बाद में मां को बेटे से अलग कर नवाब तफज्जुल हुसैन खानन के दरबार में रखा गया। नई बस्ती के इस दरबार में आज गवर्नमेंट इंटर कॉलेज फर्रुखाबाद चल रहा है। लॉर्ड डलहौजी के निर्देश पर पेंटर जॉर्ज डंकन बीच फरवरी 1852 में फतेहगढ़ पार्क पहुंचे, जहां उन्हें छोटे महाराजा दिलीप सिंह की पेंटिंग बनाना था। महाराजा उस समय 14 साल से कुछ कम उम्र के थे। जॉर्ज डंकन बीची अवध के दरबारी चित्रकार थे। चित्रकारी के लिए महाराजा को अपने औपचारिक पोशाक पहनने के लिए कहा गया, जो वे फतेहगढ़ में विशेष अवसरों पर पहनते थे। महाराजा ने कई गले के हार, डॉट, एक विस्तृत बेजल पगड़ी के साथ कोहिनूर हीरे से जड़ा हुआ पेंडेंट पहना। इसे महाराजा रंजीत सिंह ने 1838 में मृत्यु के कुछ महीने पहले भी पहना था। पेंटिंग को पूरा बनाने में कलाकार को कुछ महीने लगे। 1857 की म्यूटिनी के बाद पेंटिंग उपहार स्वरूप डलहौजी को दी गई। डलहौजी ने एक पत्र द्वारा महाराजा को जो पत्र दिया उसका मजमून था, अंततः लंबे विलंब के बाद महामहिम का चित्र जो उत्कृष्ट अवस्था में है प्राप्त हो गया है। चित्र मुझे बहुत पसंद आया। एक कलाकार के रूप में मैं पेंटर बीच को बहुत श्रेय देता हूँ। डलहौजी ने महाराजा के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आभार व्यक्त किया। शायद ये वही कोहिनूर हीरा था जो महारानी के मुकुट में आज भी लगा हुआ है। संभवतः इसे वोट द्वारा फर्रुखाबाद से कलकत्ता के रास्ते इंग्लैंड पहुंचाया गया था।